शहर में निर्माणाधीन सड़क मार्ग के कार्य का निरीक्षण। नेपाल से धान की रुपाई करने आए मजदूर की दिल का दौरा पड़ने से मौत। पुलिस ने अवैध शराब के ठेकों पर रेड कर बरामद की हजारों रुपए की अंग्रेजी व देसी शराब। निर्माणाधीन मकान का ताला तोड़कर बिजली की तारें चोरी। नशीले दवाइयों के दुरुपयोग और इससे होने वाले नुकसानों बारे किया जागरूक। छात्रों ने परिवार के सदस्यों संग मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब खबरें विस्तार से। रादौर विधायक डॉक्टर बिशनलाल सैनी ने वीरवार को शहर में निर्माणाधीन एसके मार्ग के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने जहां निर्माण सामग्री की जांच की, वहीं संबंधित विभाग के कर्मचारियों को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक डॉक्टर सैनी ने कहा कि आज शहर में कंक्रीट के 2 किलोमीटर के बन रही सड़क के निर्माण में तेजी लाने के लिए विभागीय कर्मचारियों को जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारियों ने इस सड़क मार्ग पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण कार्य में तेजी ना पकड़ पाना कारण बताया है, जिसके लिए उन्होंने विभागीय कर्मचारियों से इस बारे 10 दिन के लिए इस मार्ग से वाहनों को डाइवर्ट किए जाने संबंधी एक पत्र प्रशासन के पास भेजने की बात कही। जो रुदौर वाली जो सड़क है, जो सीमेंटेड बनाई जा रही है, जिसका 2.2 किलोमीटर जो बनना है, वो BDO दफ्तर से लेकर के त्रिवेणी तक, उसकी जो गति है बनाने का, जो उसकी जो चाल है वो धीमी है, उसको देखने के लिए अधिकारियों से बात करने के लिए यहाँ मौके पर आया था। और मौके पर SDO JE को बुलाया और उनको कहा कि भाई इसको आप किस तरीके से आगे कर रहे हो, तो सारी बातचीत उनसे ली और उनको ये भी कहा कि आप इसको, उन्होंने 15 दिन मांगे हैं, लेकिन हमने कहा भाई जो इधर वाली सड़क है त्रिवेणी तक, 10 दिन के अंदर अंदर इसको करो। उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम बताई कि ट्रैफिक जो है, उसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रैफिक के लिए मैंने इनको ये कहा कि आप एक दरख्वास्त लिखो SP के नाम और 10 दिन के लिए ट्रैफिक जो है वो जो जठराना रोड है उससे डाइवर्ट कर देंगे। SP को मैं भी बोल दूंगा ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। उपमंडल के गांव खेड़की ब्राह्मणान में नेपाल से धान की रुपाई करने आए लेबर में शामिल एक मजदूर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक विनोद कुमार, जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, अपने साथियों के साथ क्षेत्र के गांव खेड़की ब्राह्मणान में धान की रुपाई करने के लिए आया था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल रादौर में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव उसके साथियों को सौंप दिया है। पुलिस ने क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी चल रहे शराब के ठेकों पर रेड कर वहां से हजारों रुपए की अंग्रेजी व देसी शराब के साथ नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज किया है। निर्माणाधीन मकान से चोरों ने ताला तोड़कर फिटिंग की तारें चुरा ली। शिकायत में प्रवीण कुमार ने बताया कि नगर पालिका के समीप एक्सचेंज रोड पर वह अपना नया मकान बना रहे हैं, जहां पर रात्रि के समय वह ताला लगाकर चले गए थे, लेकिन सुबह जब वह मौके पर आए तो उन्होंने देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ है और वहां से बिजली की फिटिंग की तारें चोरी हो गई हैं। उन्होंने आसपास छानबीन की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। JMIT इंजीनियरिंग कॉलेज में वीरवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में DSP रादौर गुरमेल सिंह व थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने व विद्यार्थियों व अध्यापकों को नशे से दूर रहकर उससे होने वाले नुकसानों बारे जागरूक किया। इस मौके पर कॉलेज के निदेशक डॉ SK गर्ग ने भी विद्यार्थियों को नशा मुक्त स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में जागरूक किया। रैशनल वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव अपने परिवार के सदस्यों के साथ उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ मनाया। इस मौके पर छात्रों ने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ योग किया और योग को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करने का प्रण भी लिया।